जीती। 60,000 हिंदू लगातार पर ईयर गायब हुए हैं सर, बिल्कुल। और वहां पर सिखों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उस पर चुप्पी साध के बैठे हैं ये लोग, और इनको लगता है कि हिंदुस्तान ऐसा है। हिंदुस्तान ऐसा होता ना तो आवाज यहाँ पर इतना चीख चीख कर आप हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहे हो। कौन खेला के बाद कुपवाड़ा का वो पवन खेड़ा, पवन खेड़ा, पवन की बड़ा बेसिक सवाल है आपसे पूछता हूं, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है अभी भी आपको लगता है पाकिस्तान साजिश नहीं करता? अभी भी आप ये बात कहना चाहते हैं या फिर आज आप माफी मांगेंगे इस देश से? हाँ जी अमीश जी, बहुत दिनों के बाद मिले, मगर मुद्दा जबरदस्त है। ये सही बात है कि अगर आपने ये देखा है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो रहा है, और जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हंकू डिस्ट्रिक्ट है केपीके का, जहां पर ये कुछ हुआ है और वहां पे रजिस्टर एफआईआर भी उनके खिलाफ रजिस्टर हुआ है जिन्होंने कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी। मगर मेरी एक गुजारिश है, आप दूसरे के घर पे पत्थर क्यों मारते हैं जब आपका अपना घर शीशे का बना हो? आप बताएं परवीन तोगड़िया 2016 जनवरी 8 2016 में परवीन तोगड़िया ने बोला कि मुसलमान 2.5 लाख और क्रिश्चियन 5 लाख, और दस साल पीछे जाए तो 5 लाख क्रिश्चियन और 2.5 लाख मुस्लिम हिंदू बन गए। क्या कहना चाह रहे हैं तब आपके पास कोई एजेंडा नहीं था? नहीं, कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं? एजेंडा घर वापसी का आप लोगों ने किया, हिंदुस्तान जैसा है ये मजहबी जुनून है। क्या कहना चाह रहे हैं? पाकिस्तान हिंदुस्तान जैसा है? मैं कहता हूँ आप लोगों ने बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कांग्रेस की भी सरकारें रही, यहाँ भाजपा की भी सरकारें रही, और यहाँ पे दूसरी सरकारें भी रही, कभी ऐसा नहीं हुआ। गलत बयानी ना करें आप, गलत बयानी ना करें। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ पर ये बड़े भाई ने आजादी के टाइम कितने आप छोटे थे और आज कितने हैं? आप कितनी गलत बयानी कर रहे हैं? यही आपकी सोच को बताता है बाबर कादरी। 2017 मई 22 बयानों की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर आपका फैक्ट रख रहा हूँ आपके सामने। सुधांशु त्रिवेदी ये कैसा तर्क हुआ? सुधांशु त्रिवेदी ये कैसा तर्क हुआ? आप उनके पर सवाल कैसे खड़ा कर रहे हैं? आपका अपना घर ऐसा है, हमारा अपना घर ऐसा है, हिंदुस्तान ऐसा है? आई ऑब्जेक्ट बीइंग इंडियन, टुनाइट आई ऑब्जेक्ट बीइंग इंडियन सर। दूसरे के घर पे बाबर कादरी, पहले अपने घर को देखे क्या? बाबर कादरी वो वही घर है जिस घर में आप भी रहते हो, इनामुल नबी भी रहते हैं। हम हाँ, बाबर कादरी अतर हुसैन देवी भी रहते हैं। बाबर कादरी मैं आपसे सवाल पूछा कर रहे हो बच्चों से, आपने बहुत अच्छा, आपने 3 माओ को मारा है इस 2 हफ्तों में, शर्म करो, काटलो। अब पाकिस्तान ना शर्म करे, पाकिस्तान ना शर्म करे, हिंदुस्तान शर्म करे। वहां पर गैर मुसलमानों को कहा जा रहा है मुसलमान बनिए नहीं तो मार दिए जाओगे, हम तो तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत नहीं बचेगी। और शर्म हम करें? शर्म हम करें? अरे क्यों ऐसी भाषा बोल रहे हो बाबर कादरी? अरे चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान। करें आप सुधांशु त्रिवेदी, कश्मीर इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, यू माइंड योर ओन बिजनेस। बाबर कादरी आपने एक बहुत सही मुद्दा उठाया है। अरे भाई बोलने तो दीजिए, अब आप बोल लिए। बाबर कादरी आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है जो आपने कहा है सच है, तो क्यों नहीं आप खुलेआम कहते हैं कि एंटी कन्वर्जन लॉ होना चाहिए? कहिए आज, एक्सेप्ट करिए कि देयर शुड बी एन एंटी कन्वर्जन लॉ, धर्मांतरण विरोधी कानून होना चाहिए। अब आप पलट जाएंगे, क्योंकि आजादी के बाद से आज तक हिंदुस्तान में माइनॉरिटी की संख्या बढ़ी है। जब देश आजाद हुआ तो मुस्लिम था 8%, आज है 15%। ये भाई ये दोनों तर्क आपके जमते नहीं, या तो ये बात विड्रॉ कर लीजिए या वो बात विड्रॉ कर लीजिए। इस तरीके का बयान नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिफेंड। अरे तो कह दो ना, हिंदू एंटी कन्वर्जन लॉ लाइए, क्यों नहीं मानते आप हिंदू कम्युनिटी को डिफेंड नहीं कर सकते? यू आर होल्डिंग अ पोर्टफोलियो। मुस्लिम 8% था आजादी के समय, आज 15% है कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। आप जिस इलाके कश्मीर के रहने वाले हैं, वहां कितना हिंदू था संसद में और आज कितना है, बोलिए हाँ या ना। आप आंकड़े मत छुपाएं, तो इसलिए छुपा हम नहीं रहे, स्टैटिस्टिक्स साथ में है और आप मानने को भी तैयार नहीं है। बड़ी गजब की बात है, क्या आप ये भी कह रहे हैं वो कन्वर्ट हो रहा है जबकि वो कन्वर्जन नहीं है? आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते ना, तो व्हाई यू आर सेइंग दैट वो जो 2.5 लाख वापस गए उनका फ्रीडम नहीं था?
बड़े गजब का तर्क है कि जो 2.5 लाख घर वापसी हुई वो तो फ्रीडम नहीं फोर्स कन्वर्जन था, और आपने जो कश्मीर में जेनोसाइड कर दिया वो फ्रीडम था। आपकी सुषमा स्वराज वहां पे इतना बढ़िया तर्क दे रहे हैं, बोल रही है ऐसा कुछ करें। और ये भी मैं पूछना चाहता हूँ, फ्रीडम की आप बात करते हैं, हमारे लोग हैं, आपके लोग हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए तो आप रो रहे थे, इन लोगों के लिए क्यों नहीं रो रहे? जिन सिखों को वहां से निकाला जा रहा है, जिनको कहा जा रहा है धर्म परिवर्तन करिए, अब क्या हुआ? फोर्सिबल कन्वर्शन इज अ क्राइम। परसों तक तो इंसानियत इंसानियत के परसों तक तो इंसानियत के ब्रांड बस्तर पर हुए थे, अब वो इंसानियत कहां हो गई? और आप कह रहे हैं हिंदुस्तान से कम कर रहे हैं, कैन यू कंपेयर इंडिया विद पाकिस्तान? पहले वो तो देख ले, अगर लग रहा है तो मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? कह दो ना एंटी कन्वर्जन लॉ ले आइए, कन्वर्शन दैट इज फोर्सिबल एंटी पर। ये दो नाबालिग सवारी क्यों कर रहे हैं? ये कन्वर्शन जो है उस पे एक लॉ होना चाहिए। अच्छा, तो जो आप कन्वर्ट करते हैं आपके आरएसएस तो दिन का बदल जाता है, कन्वर्शन और जो घर वापस आता है फोर्स कन्वर्जन है जिंदा। वाह, अरे कहां पाकिस्तान में आरएसएस आ गया? घर वापसी कहां पाकिस्तान में आरएसएस आ गया? तो कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है बाबर कादरी। मैं कहता हूं अगर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन इन हिंदुइज्म, इसमें जो है वो घर वापसी है। एंड आई हैव हर्ड देयर इज ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर्ड। पवन खेड़ा, मैं आपका रुख करता हूं, हमारा पड़ोसी तो यही तो हम भी कहते हैं ना, फोर्सिबल कन्वर्जन के ऊपर अपोजिशन की बात आएगी तो आप कांग्रेस और सो कॉल्ड सेकुलर जमात अगेंस्ट में खड़ी हो जाएगी। पवन पवन खेड़ा, मैटर ये है आजादी के बाद सिर्फ माइनॉरिटी और हिंदुओं का परसेंट 80% से नीचे आ गया है भारत का पाकिस्तान के साथ, जहां पर 50 लाख हिंदू आबादी थी जो अब घटकर 21 लाख बची है। भारत को कंपेयर किया जा सकता है कि पाकिस्तान से फैक्ट्स के मामले के अंदर? और बाबर कादरी कह रहे हैं कि आपका तो अपना घर शीशे का है, he should go to Pakistan first। नहीं नहीं नहीं, बाबर कादरी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते वो मायने ही नहीं रखता, वो एक बहुत ही फ्रिंज एलिमेंट है और मुझे नहीं लगता कि मैं इनकी बात का जवाब भी देना चाहूंगा। पाकिस्तान एक मजहब पर आधारित एक मुल्क बना और उसका एक बड़ा एक अनहोली अलायंस है उसकी सरकार का मजहबी लोगों के साथ और मजहबी मुद्दों के साथ जुड़ी हुई है, और जियाउल हक के बाद तो वो और ज्यादा बदतर हो गई। वहां के अल्पसंख्यक भले वो क्रिश्चियन हो हिंदू हो या सिख हो, समय समय पर उनके साथ बर्बरता भी हुई है, उनके साथ जोर जबरदस्ती भी हुई है, और वहां मुझे नहीं लगता कि हमें भारत का कुछ भी एस्पेक्ट उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल इसमें बाबर कादरी जी की बात को सिरे से नकारता हूं, एकदम गलत बात कह रहे हैं वो, और अगर उनको ये बात अच्छी लगती है तो उनको यहां से चले जाना चाहिए, अगर नहीं रहना चाहिए बाबर तो कादरी उनका पूरा फ्रीडम है इस बात को। ये क्या मतलब है कि यहां बैठकर वो नहीं आपका सच आपको मुबारक हो, आपका सच आपको मुबारक हो या आपका सच होगा ये हमारे लिए कोई सच नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत एक संविधान पे चलने वाला मुल्क है, भारत एक संविधान पे चलने वाला मुल्क है, उसी संविधान के अंदर आप भी आते हैं, आप वकील भी हैं और आपने वकालत जो भी की है वो भी आपने भारत का ही लॉ पढ़ा है, तो आप कम से कम यहां बैठकर भारत के खिलाफ इस तरह से मत बोलिए जो कि असत्य है। भारत में कोई समस्या और कई समस्याएं होंगी, कम से कम ये मामले में भारत जो है, और मैं गर्व के साथ कहता हूं बाबर कादरी साहब कांग्रेस के और देश के वरिष्ठ बड़े बड़े नेताओं ने सरदार पटेल और नेहरू जी ने महात्मा गांधी ने जो इंस्टीट्यूशन बनाई वो इतनी स्ट्रांग है इंस्टीट्यूशन कि उसमें कतई आप पाकिस्तान से कम से कम कंपेयर मत कीजिए। हम पूरे देश की बेइज्जती कर रहे हैं, पूरे देश का अपमान कर रहे हैं आप। Hello, ये बहुत ही गलत बात है। हमारी इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं और इन्हीं इंस्टीट्यूशंस की वजह से आज हमने अपनी संविधान की रक्षा करी हुई है और हमारे यहाँ बहुसंख्यकवाद का कोई स्थान नहीं है, स्थान यहाँ नहीं है, समय समय पर उसका जवाब मिलता है। अगर कोई ट्राई भी करता है, देखिए नहीं माफ कीजिएगा, फोर्स कन्वर्जन बिल्कुल गलत होती है, उसमें मैं एकदम खुलकर बोलता हूं। अरे आप किसी आप को पवन खेड़ा ये अपने ट्रैप में आप लोगों को फंसा रहे हैं, फोर्स कन्वर्जन की बात ही नहीं है, वहां पर गैर मुसलमानों को मुल्क में रहने नहीं दिया जाता, मसला तो ये है इस समय बड़ा, गैर मुसलमानों को मुल्क में रहने नहीं दिया जाता। इनामुल नबी क्या कहना चाहते हैं आप? बड़ी पैरोकारी करते थे आप रोहिंग्या मुसलमानों की, अब क्या कहते हैं आप? मैं कोई ट्रैप समझता हूं आपको, आपको मुबारक है कि आपने इसको, इनको मुझे बात करने दीजिए प्लीज सर, बात करने दीजिए आप, रुकिए आप एक मिनट। किसी भी मामले में पाकिस्तान से इस तरह से कंपैरिजन गलत है,
हम संविधान आधारित देश हैं, मजहब आधारित देश नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी और इनके आरएसएस कई बार हिंदू राष्ट्र करते रहे, तो करने दीजिए, भारत संविधान पे ही चलेगा, भारत संविधान की रक्षा करेगा, भारत अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करना चाहता है और हमें किसी का लेक्चर नहीं चाहिए। अल्पसंख्यकों जाए, अल्पसंख्यक भारत के उतने ही हिस्से हैं जितना हम हैं या कोई और है, इसमें कोई मजहब अमी जी आपको मुबारक है, आपने आंदोलन शुरू किया है। शुरू करेंगे हम यूपी से, चलिए पहले बाबरी मस्जिद को तैमीर करेंगे, यहाँ से तो आंदोलन शुरू कर लीजिए। इखलाक के कातिलों को सजाए मौत दिला देंगे, यहाँ से तो आंदोलन कर लीजिए। इखलाक के कातिलों के बाद पहलू खान के कातिलों को सजाए मौत दिला देंगे, यहाँ से तो आंदोलन कर लीजिए। जुनैद के कातिलों को सजाए मौत दिलाएंगे, यहाँ से आंदोलन करेंगे। दलितों पर जो आपने अत्याचार किया है उसको रोकेंगे, यहाँ से आंदोलन करेंगे। सिखों को दरबार शरीफ पर हम दरबार शरीफ बेसिकली आप एक्सपोज हो रहे हैं पूरी तरह से। डालो, आपने तो दलितों का जीना हराम किया है, मुसलमानों की छोड़िए, मुसलमानों को आप सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं भारत में, आपने दलितों का जीना हराम किया है, आपने सिखों का जीना हराम किया है, आपने दरबार शरीफ को भी नहीं बचा, आपने पवित्र जगह दरबार शरीफ को भी हमला किया, आपने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, आपने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। सुधांशु त्रिवेदी, आप बाबरी मस्जिद, मैं बाबरी मस्जिद की बात करिए, सिखों की बात मत करिएगा, गैर मुसलमानों की बात ना करिएगा, जिनको पाकिस्तान जीने नहीं दे रहा वहां पर। सुधांशु त्रिवेदी पर मौत की गांठ उतार दीजिए पहले उनको, सुधांशु त्रिवेदी, हम आंदोलन आपके साथ चलेंगे। जुनैद के कातिलों को सजाए मौत दिला दीजिए, आंदोलन शुरू करेंगे। चाहूंगा कि अरे शुरुआत करनी है ना, अरे मैं बोल लूं जनाब, बाबरी मस्जिद शुरुआत करनी है तो घर से करिए ना, चैरिटी बिगेस्ट डाउन करिए। अभी कर्नल फैयाज के हत्यारों को, अयूब पंडित के हत्यारों को, इंस्पेक्टर रशीद के हत्यारों पे कार्रवाई करिए, और सैकड़ों मंदिर जो कश्मीर में तोड़े गए थे उन्हें रेस्टोर करिए, और बाबरी मस्जिद जिसको आप सो कॉल्ड कहते हो तो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था, और वहां 1950 जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस दिन से तो पूजा हो रही थी। अरे बोल रहे हो ना, वहां तो बुतखाना था, मस्जिद कहां पे थी? आपका एजेंडा यही है, मैं बात कर रहा हूं, सिखों पर हो रहा है अत्याचार की बात पाकिस्तान के अंदर, गैर मुसलमानों पर हो रहा है अत्याचार की आपको बाबरी की बात कर रही है, आप कह रहे हैं हिंदुस्तान में भी ऐसा होता है। मौलाना देल भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे मैं पूछूंगा क्या वो सेकंड ग्रेड सिटीजन है इस देश के अंदर? मौलाना देल जो पाकिस्तान के साथ अपने मुल्क को कंपेयर कर सकते हैं, बताओ मुसलमान, बताइए आज इस देश की जनता को, बताइए और एक्सपोज करिए इन लोगों को, बताइए अमीर सच्चाई, और ऑडियो बंद करिए इन लोगों का। अमीर सच्चाई की बात यह है कि 1947 को मौलाना आज़ाद ने इस बात को वजाहत के साथ कह दिया था कि पाकिस्तान की बुनियाद एक मुकद्दस मजहब के नाम पर एक गैर महज़ब काम के लिए की गई है। आप सेकंड ग्रेड सिटीजन है स्कूल के अंदर? बिल्कुल नहीं, मैं ब्रेक लेता हूं, मैं ब्रेक लेता हूं इसी पॉइंट पर, और ब्रेक के बाद आता हूं बाबर कादरी आपकी बात बताऊं। बताइए पाकिस्तान में कौन सेकंड ग्रेड सिटीजन है, मैं ब्रेक के बाद आपको बताता हूं, और कैसे है वो भी बताता हूं आपको, तैयार रहिए सवालों के लिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और अब मैं कुछ बयान बताता हूँ। रोहिंग्या मुसलमान पर किसने क्या कहा था ये बताना ज़रूरी है। पवन खेड़ा, ममता बनर्जी ने कहा था रोहिंग्या को बाहर करने का मोदी सरकार का आदेश नहीं माना जाएगा, सभी रोहिंग्या मुसलमान का पश्चिम बंगाल में स्वागत है, जैसे पश्चिम बंगाल अलग देश है। शशि थरूर, नेता कांग्रेस, इन्होंने कहा था रोहिंग्या को वापस भेजने का फैसला आश्चर्यजनक है, क्या भारत की शरणार्थियों को शरण देने की प्राचीन परंपरा को इसलिए तोड़ा जा रहा है। मायावती ने कहा था सरकार रोहिंग्या मुसलमानों के साथ मानवता का रवैया अपनाए, राज्यों पर इनके खिलाफ दबाव ना बनाया जाए। अब आप मुझे बताइए जो सिखों के साथ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर वो मानवता है? इस पर अभी तक क्यों नहीं कोई बयान आया बड़ा, क्यों नहीं संसद में इस मामले को उठाया गया? दरबार शरीफ हमले की सबसे तो पहले रुके आप इनामुल सबसे पहले अमरिंदर सिंह दरबार शरीफ हमले की तो मजा अमरिंदर सिंह
जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह मुद्दा सुषमा स्वराज जी के संज्ञान में लाए, क्यों नहीं हमारे हाई कमिश्नर ने डिमार्श इशू किए, क्यों नहीं हम लोगों ने उच्च स्तरीय ये बात उठाई सरकार, भारत सरकार ने? ये लिप सर्विस तो करना बड़ा आसान होता है, अरे काम करिए। क्यों परेशान है वहां का सिख, क्यों नहीं हमने स्टैंड लिया, क्यों कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को गुहार लगानी पड़ गई भारत सरकार को, केंद्र सरकार को? केंद्र सरकार क्या अपनी जिम्मेदारी नहीं मानती, या इसमें वोट नहीं मिलते, क्या मसला है? वो तो विरोध कराने के लिए तो सुखबीर बादल भी गए थे। पार्टी सरकार के साथ है, सरकार इस पे कोई भी कदम उठाएगी हम उनका साथ देंगे, ये मैं आपको इस मंच से। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे पहली बार आप विपक्ष में गए हैं, आप कभी इस देश की सरकार में नहीं आए 1947 से। लेकिन हिंदू और सिखों के पक्ष में क्यों नहीं खड़े होते अपने मुल्क के अंदर, इनके लिए क्यों नहीं आंदोलन चलाते? हमने हम खड़े हुए हैं, कौन खड़ा हुआ है? कैप्टन अमरिंदर सिंह खड़े हुए हैं, इनकी पार्टी से किसी ने आवाज उठाई थी? जब तक अमरिंदर सिंह जी ने नहीं याद दिलाया, सुषमा जी को कौन सा याद आ गया? वहां के हाई कमिश्नर क्या कर रहे हैं? चतुर्वेदी हमारे कुलभूषण जाधव के परिवार को वीजा के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, इनका होश कहां है? सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, सरकार चलाना सीखिए, कब तक राजनीति करते रहेंगे? और आज मुझे आप राजनीति नहीं कर, इनामुल नबी और बाबर कादरी साहब को ऐसी ऐसी बातें करनी पड़ी, क्यों की उन्होंने? सुधांशु त्रिवेदी जी, इसके जवाबदार आप भी हैं, क्यों ऊना में इतने अत्याचार हुए, क्यों सहारनपुर में इतने अत्याचार हुए, क्यों बाबर कादरी और इनामुल नबी से ये क्या हुआ? अब आपको एजेंडा चाहिए भारत को, भारत रहने दीजिए। बाबर कादरी और इनामुल नबी से, नबी और बाबर कादरी, ये तीनों एक शैली के चक्कर बटे हैं, भारत को ये पाकिस्तानीकरण कर रहे हैं, भारत का ये तालिबानीकरण नहीं होने देंगे। सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर त्रिवेदी, क्या जवाब सुने हम? ये हमारे हमारा भारत संविधान पे चलता है और संविधान पर ही चलेगा, मैं पाकिस्तानीकरण नहीं होने दूंगा। आपका 2.5 मिनट पूरी बात सुनी है, आप मेरी बात पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पवन खेड़ा जी, आप पहले इस बात का आश्वासन दीजिए, जैसे शांति से मैंने आपकी बात 2.5 मिनट सुनी है और अपना टर्न आने का इंतजार किया, चेतावनी दे रहे हैं आप? चेतावनी नहीं दे रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं जैसी मर्यादा हमने पालन की वही आपसे अपेक्षा कर रहा हूं कि आप मेरे दूसरे वाक्य मुझे तो नहीं सुनाई दी, आप तो बीच बीच में बोलते रहे, तमाम पैनलिस्ट बोलते रहे, तो मैं इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मैं तो बिल्कुल नहीं बोला, सुधांशु त्रिवेदी में मैंने एक वाक्य नहीं बोला आपके बोलने में, मैं एक वाक्य नहीं बोल रहा हूं। इतना तो गलत है सामने बैठ के कि मैंने एक भी वाक्य नहीं, नहीं अगर बात आपकी नहीं सही गलत, तो आपकी 10 बातें गलत लगी, मगर मैंने बीच में नहीं बोला, अपना टर्न आने पे मैं आपकी एक गलत बात सर, पहले आप टाइम निकल जाएगा, हजम नहीं हुई तो मन में टोकूंगा सिखों के लिए 100 बार टोकूंगा, इसमें हमारे यहाँ लोकतंत्र है। क्या बहस करते चले जा रहे हैं भाई, ये क्या तरीका, ये नहीं कहने को तैयार है कि मैं अपनी बात बोलूंगा उसका बोलते चले जा रहे हैं, ये क्या तरीका? चेतावनी थोड़ी सुनूंगा यहाँ बैठकर, आप चेतावनी चेतावनी के स्वर में नहीं है, मैंने आपसे मर्यादा की बात कही है, आपने 10 चीजें गलत बोली है, आप मुझे बोलने दीजिए तो मैं बताऊंगा आपको। किस तरह का अहंकार है? नहीं अहंकार आपके अंदर आ रहा है कि मैं खुद बोलूंगा, 3 मिनट लगातार बोलूंगा, उसके बाद तीसरे वाक्य तक नहीं बोलने दूंगा, अहंकार तो आपके अंदर आ रहा है और आप कह रहे हैं कि आप चेतावनी चेतावनी, मैंने तो आपसे विनम्रता से कहा मर्यादा का पालन मैंने किया, मुझे करने दीजिएगा, आप कह रहे हैं नहीं करने दूंगा, सुनना पड़ा, ये क्या बात होती है? आप भी वरिष्ठ हो, सुनना पड़ रहा है, ऊना और सहारनपुर में आपने क्या हालत की है दलितों के साथ, आप सुनना पड़ा नेशनल टेलीविजन पे, हमें आपकी वजह से, आपकी वजह से ये सब सुनना पड़ रहा है। अरे भारत को भारत रहने दीजिए, पाकिस्तानी का मत करिए भारत, मैं टोकूंगा आपको बार बार टोकूंगा, कांग्रेस का हर सिपाही टोकेगा, हर मंच से टोकेंगे आप, लगातार पिछले 4 तरीके आप भारत को पाकिस्तान बनाने पर आमादा है और आप कह रहे हैं हम टोकेंगे नहीं आपको? नहीं देखिए, आप जिस तरह से आपकी पार्टी की सरकार हालत कर रखी है, कभी अलवर में किसी को मार देते, कभी राजसमंद में किसी को मार देते, कभी ऊना में दलितों पर अत्याचार करते हैं, आप कहते हैं टोकूंगा नहीं, आपको टोकता रहूंगा, बार बार टोकूंगा रहूंगा और संसद से लेकर सड़क तक टोकूंगा, अरे संसद से लेकर सड़क तक टोकेंगे, तो चल नहीं रही है, ये क्या मतलब है आपकी वजह से? आप बोलने तो देंगे डिबेट के अंदर, डिबेट है, कांग्रेस थोड़ी है, पवन खेड़ा साहब ये क्या हो रहा है, वो क्या स्थिति में क्यों हो रहा है, आपके तथा कथर कारण एलिमेंट हुए हैं, मैं नहीं रुकूंगा, क्या बौखलाहट, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, मैं बोलता रहूंगा, बार बार बोलूंगा, हर मंच से बोलूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है अब हर मंच से बोलिएगा सुधांशु में, तो भाई अमित जी अफगान इस ढंग से हम बहस नहीं कर सकते, सुधांशु में स्पीच कराइए,
ये पांच मिनट की स्पीच करे ना, फिर जवाब दीजिए, बोलते रहूंगा कि क्या मतलब है भाई। आप इतने सीनियर आदमी होकर ऐसी करे, जवाब आप कहां की बात को पकड़ रहे हैं। पवन खेड़ा, अब मैं बोलूं पवन खेड़ा, अब आपको एजेंडा चाहिए नामोल्लभी और बाबर कादरी से। अरे मेरे शशि थरूर पे आपसे सवाल पूछा आपने, पलट गया सवाल से। मैंने मायावती पर आपसे सवाल पूछा, वो हिंदू मुसलमान प्यारे थे, सिखों की बात करेंगे नहीं। भारत का पाकिस्तान पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है, और मैं बर्दाश्त कर लूं। अरे टेलीविजन डिबेट आती रहती जाती रहती, देखिए वो देखिए, इससे बड़ा आंदोलन क्या हो सकता है जो हम शुरू कर रहे हैं। भारत का पाकिस्तानीकरण होने से रोके, भले वो बाबर कादरी हो, इमामुल नबी हो, या सुधांशु त्रिवेदी में क्यों पॉइंट, भारत को सुधांशु त्रिवेदी में क्यों पॉइंट। पवन खेड़ा होल्ड ऑन, सुधांशु त्रिवेदी, अब मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सिखों का विषय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उठाया। मुसलसल 10 साल आपकी सरकार थी, हिंदू और सिख जो पाकिस्तान से आकर यहां बैठा हुआ था उसको लॉन्ग टर्म वीजा आपने दिया? नहीं दिया, बल्कि बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों को आईएमडीटी एक्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया तो आपकी असम और सेंटर की गवर्नमेंट ने लाकर उस एक्ट को बदलाव किया ताकि बांग्लादेशी मुसलमानों को मिल सके नागरिकता, मगर पाकिस्तान से आए सिखों को नहीं मिले। और आज आप भाषण दे रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने याद दिलाया, बोलिए यस की नो। अब बताइए फैक्ट क्या था, हमारी सरकार ने आने के बाद पाकिस्तान की सारी रिलीजियस माइनॉरिटीज को दिया, हमने हिंदू नहीं कहा, हमने कहा हिंदू कश्मीरी पंडितों के लिए आपने क्या किया, इस मंच से बताइए। कुछ नहीं होगा पवन खेड़ा जी, फैक्ट का जवाब दीजिए। 2007 में आईएमडीटी एक्ट को क्वेश्चन करते समय सुप्रीम मुस्लिम थे और जो बेचारे हिंदू और सिख पाकिस्तान से आए उनको हम लॉन्ग टर्म वीजा तक नहीं देंगे, जो ईमानदारी से वीजा लेके आए उन्हें नहीं देंगे, जो घुसपैठ करने के लिए आए उन्हें वोट बैंक बचाने के लिए देंगे। अगर पवन खेड़ा जी आप कब तक छिपते रहेंगे, कभी इतिहास के पीछे छिप जाते हैं। अगर पवन खेड़ा जी डिबेट को सोच रहे हैं कि लगातार बोल के डिरेल कर लेंगे, तो ऐसे डिबेट नहीं हो सकते। कश्मीर ले जाएंगे पवन खेड़ा जी, मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूं, आप बता दीजिए क्या वादा है। अच्छा विरोधी वो है तो दूसरे को सुने भी, मैं कहता हूं तेजी को लेता हूं डिबेट के पिछले 8 महीने से आप ही बोल रहे हैं, मौलाना देवी बाबर कादरी नोबडी है, मौलाना देवी बाबर कादरी नोबडी है, भारत आपका। अरे भैया आईएमडीटी एक्ट का जवाब, मौलाना देवी बाबर कादरी कह रहे थे कि हिंदुस्तान में मुसलमान सेकंड ग्रेड सिटीजन है, आपने बोला नहीं है। और सिखों के साथ जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके बारे में आवाज नहीं निकलती बाबर कादरी जैसे लोगों की? देखिए ये बात हमको सबको याद रखनी चाहिए, पाकिस्तान सिर्फ सिखों का मसला नहीं है। आपको मुझे NHRC ने यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इंटरनेशनल माइनॉरिटी जो ऑब्जर्वेशन कमेटी थी, यूनाइटेड नेशन ने कहा कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा ख़राब है, सिख हिंदू क्रिश्चन यहाँ तक के जो मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं जैसे शियाज हैं। और बाबर कादरी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बराबर, तो उसको इतने ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, ज्यादा नहीं जानते। बाबर कादरी रिस्पॉन्ड, होल्ड ऑन, मेरा कहना नहीं, मेरी पूरी बात करनी, मेरा कहना ये दूसरी बात मालूम जी कि बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। और बाबर कादरी को मालूम होना चाहिए कि बाबर कादरी, सुनो आपकी हिम्मत कैसी हुई बोलने की कि भारत में मुसलमान सेकंड ग्रेड सिटीजन है, बाबर कादरी आपको मालूम होना चाहिए। बाबर कादरी, बाबर कादरी को कश्मीर को कहते हो, वहीं से उमर अब्दुल्ला निकल के फॉरेन मिनिस्टर बने थे, वहीं से फारूक अब्दुल्ला मंत्री बन के आए थे। और आपको मालूम है भारत का चीफ जस्टिस, भारत में लेफ्टिनेंट जनरल, भारत में जो है भारत का, अरे सुना करो पहले बात सुना करो, और भारत के अंदर सफर सैफुल्ला, ये सारे मुसलमान रहे हैं, कोई ऐसी जो तुम बता, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, हिदायतुल्ला के रहमान खान, हामिद अंसारी, अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, नजमा हबतुल्ला, सैयद सिफत रजी, अहमद फारूक, बरकतुल्ला, तुम एक नाम बताओ जो पाकिस्तान के अंदर ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस्लामाबाद को जगह दियो। अरे सरदार कय्यूम खान मर गया बेचारा, सैयद सरदार कय्यूम खान मुजफ्फरनगर, बाबरी मस्जिद की बात करें, मर गए, मगर इस्लामाबाद ने कभी, मौलाना साहब बाबरी मस्जिद की बात करें, मौलाना साहब बाबरी मस्जिद की बात करें, अरे परसों बाबरी मस्जिद की बात करें,
इखलाक की बात करें, पहलू खान की बात करें, जुनैद की बात करें, पहलू खान की बात करें ना, जुनैद की बात करें, इखलाक की बात करें, आप इखलाक की बात करें, सरकारी मौलवी बंद कराते हो, सरकारी मौलवी हो, खैबर पख्तून में कितने लोगों को मारा, सरकारी मौलवी तुमने मारा, मौलाना देलवी खैबर पख्तून में तो हो रहा है, सिखों का नरसंहार हो रहा है, ये लोग आपको गाय के कद के बराबर समझ रहे हैं मौलाना साहब, फिर यहाँ पर भाषण दो आप, अपने आप को पहले सिख मेजर बन गया, मेजर हरचरण सिंह वहाँ पे एक मेजर है अभी आर्मी में, पाकिस्तान जाइए ना, आपने अपने सिख के साथ पाकिस्तान जाइए ना, बहुत बड़ी बात हो गई, कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, तुम अपना लगाओ, अरे पाकिस्तान का गाना गाना बंद कर दो, पाकिस्तान का गाना गाना बंद कर दो, आपने क्या किया, पाकिस्तान का गाना गाना बंद कर दो, कादरी सरकारी मौली साहब, अरे छापा छाया करो, ये बाबरी मस्जिद क्यों कराई, बाबरी मस्जिद शहीद क्यों की गई, पाकिस्तान में आईएसआई और आर्मी के टुकड़े पे पलने वाले नाकारा आदमी है, मौलाना साहब बाबरी मस्जिद के बारे में बात करें ना, बाबरी मस्जिद को किन्होंने गिराया, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले कौन है, मौलाना साहब बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले कौन है, इनकी मजबूरी नहीं है, दलितों को मारने वाले कौन है, दलितों को मारने वाले कौन है, जिसने आपकी आर्मी सर की, अरे कोई नहीं डरता आर्मी, तुमको मालूम है लाहौर तक पहुंच गए थे, अबे लाहौर तक पहुंच गए थे, कश्मीरी था, अबे लाहौर तक पहुंच गए थे, तुमको मालूम है ये बात, कोई इंसाफ नहीं करता, वो पाकिस्तान की माइनॉरिटी की बात करे, शर्म करो मौलवी, अरे तुमको इंसाफ तुमने करा, अय्यूब पंडित के साथ क्या करा, बाबरी मस्जिद के बारे में बात करें ना, बाबरी मस्जिद के बारे में बात करो, इखलाक के बारे में बात करो, इखलाक के कातिल कहाँ है, अबू के सवाल का कोई जवाब नहीं, मैंने तो बड़ा सिंपल सवाल पूछा, इतना बोतला क्यों नहीं, बाबर कादरी, बाबर कादरी है, आपकी मजबूरी है, हमें कोई मजबूरी नहीं है, मजबूरी तुम्हारी है, सर मैं समझ सकता हूँ देलवी साहब आपका दिल क्यों दुखा है, मैंने तो एक बड़ा सिंपल सवाल करा था कि पाकिस्तान के अंदर 1947 में 23% अल्पसंख्यक थे, अब सिर्फ 3% है, इसका जवाब सुनिए क्या है, बाबरी मस्जिद है जवाब, अखलाक है जवाब, इसके अलावा कोई और जवाब नहीं, कह रहे आपका खुद का घर शीशे का है, हमारा घर शीशे का है, हमारे मुल्क के अंदर अल्पसंख्यक कम हुए पहले से, ये फैक्ट है, कितना झूठ परोसोंगे बाबर कादरी और इनामुल नबी, कितना झूठ परोसोंगे, झूठ परोसने से वो कभी सच नहीं होता, और आज कश्मीरियों ने और कश्मीरियत ने समझा कि आप लोग कितने घातक हो, आप डेंजरस हो सोसाइटी के लिए, आई वॉन्ट टू से इट ऑन रिकॉर्ड एंड यू आर हियरिंग आई बिलीव, आपका ऑडियो डाउन कर रखा है मैंने, आप डेंजरस हो सोसाइटी के लिए, उस सोसाइटी के लिए जो अमन चाहती है, वो सोसाइटी जो शांति चाहती है, वो सोसाइटी जो तरक्की चाहती है, आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला इन सिक्कों के लिए, कमाल है, एक ब्रेक लेता हूं वापस आ रहा हूं, आप देख रहे हैं आर पार और मेरे साथ इनामुल नबी, बाबर कादरी, मौलाना अतर हुसैन देलवी, पवन खेड़ा और सुधांशु त्रिवेदी हैं, मैं सीधा रुख करता हूं आपका, आपका बाबर कादरी और आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या पाकिस्तान में गैर मुसलमान होना गुनाह है, इसका आपको कोई सबूत चाहिए, बताइए बाबर। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी आर्मी में अगर हरचरण सिंह मेजर बन सकता है, अगर कहीं पर गलती भी हो सकती है, उसके खिलाफ FIR भी हो सकता है, मगर आप मुझे बताएं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, अच्छा, हिंदुस्तान की आपको परवाह है, आप मुझे बताएं उर्दू बोलने पे जो मेयर बना था यूपी में, एक मेयर बना था उसने उर्दू में हाथ देना चाहा, उसकी पिटाई की गई, उसकी पिटाई की। इनामुल नबी आपसे मैं यही सवाल पूछता हूँ, पाकिस्तान में गैर मुसलमान होना गुनाह, इसके सबूत आपको क्या चाहिए, 1947 में 23% अल्पसंख्यक थे, अब 3% है, 20% गायब, हर साल 60,000 हिंदू वहां गायब हुए हैं, बताइए अब सिखों पर वार हो रहा है। जनाब हमें तो जीने का मौका दीजिए, राइट टू लिव इज सुप्रीम राइट, पहले अच्छा। हमें तो जीने का मौका दीजिए, यहाँ पर आपने तो 1,00,000 नौजवानों को शहीद किया, आपने तो कल ही रूबी जान को बटमोरन शुपे में वो मारी गई, मिश्रा यूनसो हंदवारा में मारी गई, इसी हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ, आसिफ इकबाल को आपने मारा, सिखों पर आपने अत्याचार किया, मैं आपको दलितों के मैसेकर गिनाऊं, 1968 में तमिलनाडु, 1981 में यूपी, 1985 में, 1990 में, 1991 में, 1996 में, दलितों पर, सिखों पर, मुसलमानों पर आपने किसी को नहीं छोड़ा, आप आदमखोर हो जनाब, आप कफन चोर जो सुना था, आप आदमखोर भी निकले वहां से। होल्ड ऑन,
सुधांशु त्रिवेदी मेक योर पॉइंट प्लीज। अमीश, मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, अरे अपने हिंदुस्तान में 1990 में कश्मीर वैली में हिंदुओं का नरसंहार हो या 84 में दिल्ली में सिखों का नरसंहार, अरे असम में डुबरी और बरपेटा से लेके बंगाल के मालदा तक जो हो रहा है और केरल में जो कुछ हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोले तो पाकिस्तान से क्या बोलेंगे भाई। और इस ढंग से वाहियात लोग बैठ कर कह रहे हैं कि कंपेरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान से, अरे हिंदुस्तान में तो मुस्लिम किस पद पे नहीं रहा है, भारत का चीफ जस्टिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ, आर्मी का चीफ और भारत के सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम का चीफ है। किस ढंग की एब्सर्ड बात आप करते हैं? दरबार शरीफ पर अटैक किसने किया? दरबार शरीफ पर अटैक किसने किया? अरे मैं वही तो कहना चाहता हूँ, जब कश्मीर और जम्मू में सिख मारे जा रहे थे मुलायम क्या कर रहे थे? आप लोगों ने तो मार मार के भगाया। चाहिए मैं मानता हूँ मौजूद है सुधांशु मेरे का एक जिम्मेदार एंकर के साथ, हर जगह कुछ ना कुछ सियासी हालात होते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि भारत में हर किसी नागरिक को बराबर संवैधानिक हक हासिल है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या वजीर दाखिला राजनाथ सिंह हो, हर किसी ने अगर हमारे यहाँ कहीं गलती हुई, हमने सदन पटल में भी कहा, आवामी सतह में भी कहा कि भारत में ऐसी चीजों को सुन लो भैया, सुन लो लिफाफा मिल जाएगा आपका, आ जाएगा इनाम, अब तो पैसा डायरेक्ट आता आपको हवाले से। हमारा कहना यह है सरकार किसी की भी हो लेकिन भारत के हर नागरिक को संवैधानिक हक हासिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने सच्चाई के साथ कहा, और मैं आप जिनको बता रहा हूं, राजनाथ सिंह अकेले ऐसे वो वजीर दाखिला थे जो 5 बार कश्मीर गए और इस इनामुल बारी जैसे लोगों को समझा के आए कि हम तरक्की चाहते हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं। अरे जारा के फूल, जारा के बाप के तस्वीर पे जब वो रो पड़े उस वक्त तुम हंस रहे थे, तुम इंतहाई नाकारा आदमी हो। और मैं बिल्कुल कहता हूँ कि जब तक आप इन जैसों को यहाँ बिठाएंगे इस तरह की अरे सुना करो पहले, मैं रियासत जम्मू कश्मीर की पुलिस से दरख्वास्त करता हूँ कि जो लोग भी भारतीय संविधान के खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 3% हिंदू आबादी, 3% बच गई है, 23% वो इनको नहीं दिखता। 50 लाख हिंदू आबादी थी 1951 के अंदर और 1998 में जो गिनती हुई उसमें 21 लाख बची थी। 60,000 हिंदू लगातार पर ईयर गायब हुए हैं सर, बिल्कुल। और वहां पर सिखों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उस पर चुप्पी साध के बैठे हैं ये लोग, और इनको लगता है कि हिंदुस्तान ऐसा है, हिंदुस्तान ऐसा होता ना तो आवाज यहां पर इतना चीख चीख कर आप हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहे होते। कौन खेला आजादी के बाद कोपवाड़ा का वो पवन खेड़ा, पवन खेड़ा इनामुल नदवी को कोई हक नहीं पहुंचता कि हिंदुस्तान की कंपैरिजन पाकिस्तान से करें। पाकिस्तान से कतई हिंदुस्तान, हमारी कोई सरकार हो, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, हम संविधान के ऊपर चलते हैं, भले सुधांशु जी की सरकार हो या हमारी सरकार रही हो, इसमें कतई कोई पाकिस्तान से कंपैरिजन गलत है। और ये दोनों जो बात कर रहे हैं इनको चले जाना चाहिए अगर इन्हें पसंद नहीं है तो। आप दोनों के लिए आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर पाकिस्तान इतना पसंद है तो चले जाइए। और आप बात करते हैं अगर हिंदुस्तान में ये सब कुछ हो रहा होता ना, हिंदुस्तान में ये सब कुछ हो रहा होता ना तो इतनी बड़ी बड़ी बातें आप टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं आके करते। हम लोकतंत्र है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, छोड़ दो। कराची के किसी स्टूडियो में होते इनाम बारी और अरे सुनो बाबर कादरी अगर छोटी टीवी में होते ना वहीं से उठा के तुम किसी खबर पख्तून में पड़े हुए होते। ये देखो हिम्मत देखो भारतीयों की कि तुम यहां बैठते हो और एनर्जी वेस्ट करने का टाइम की जरूरत नहीं है। ये लोग पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं और आज कश्मीर की जनता समझ गई होगी, हिंदुस्तान की जनता इनको समझती है, कश्मीर के लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से ये नरसंहार को भी अलग तरीके से जोड़ते हैं। नमस्कार, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, फिलहाल इतना ही। आप तमाम लोगों का